करो, बाजार जाओ, आलू लेकर आओ, उसको उबालो और रोटी में डालो, वही आप खाओगे और जाइए आप आलू लेकर आइए जाकर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देसी किचन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एक चौहान साहब की अजीब सी फरमाइश है। वो बोल रहे हैं कि मैंने खाना है ऑमलेट। तो मैंने उनको बोला कि अगर ऑमलेट खाना है आपको तो आप अंडे लेकर आइए बाजार से, तो फिर मैं ऑमलेट बनाऊंगी। काफी साल हो गए वैसे चौहान साहब को और मुझको, हमने ऑमलेट और अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाया। 24-25 साल हो गए हमको छोड़े हुए, मेरे को ज्यादा हुए। तो अब अचानक से चौहान साहब को पता नहीं क्या हुआ आज, तो वो कहने लगे कि मेरा तो बहुत मन है आज ऑमलेट खाने का। तो मैं भी सोचूं कि ये क्या हो गया चौहान साहब को, कहते हैं कि बस आज मन है ऑमलेट खाने का, कमजोरी आ रही। तो कहते हैं मुझे भी कमजोरी आ गई। वैसे मुझे लगती नहीं है उनमें कमजोरी, ये तो कोई खाने का ढंग लगता है। तो अभी लेकर आएंगे चौहान साहब अंडे, तो फिर मैं ऑमलेट बनाऊंगी। तो ठीक है जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मेरी गल सुनो ना, तुसी मेनू प्रेरित किया ऑमलेट खाने वास्ते। तुसी कहंदे आपां वो यूट्यूब ते किसी दी वीडियो देख रहे, तुसी ए कहंदे ये बहुत अंडे बहुत खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं। पता क्या है, वो बात से बात चली ना, आपने बोला देखो वैक्सीन लगवा कर आए हैं। मैंने ये बोला आपको कि आप अंडे वगैरह कुछ भी नहीं खाते हो। हाँ। तो आप वैक्सीन अगर लगवा के आओगे कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जिन लोगों की आप बात कर रहे थे ना, वो अंडा चिकन वगैरह मतलब अच्छे से खाते हैं, ध्यान रखते हैं। आप कुछ ऐसी चीज नहीं खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं बिल्कुल जी। वो भी आपका बहुत कम है, मतलब जैसी आपकी हाइट है, आपका मतलब शरीर है ना, आपको खुराक की ज्यादा जरूरत है और आप बहुत कम खाते हैं, मैंने देखा है आपको। अच्छा। और जो आप वो खाते हैं फुल्का खाते हैं, उसमें घी भी नहीं लगाते आप, खुश्क फुल्का खाते हो आप। तो इसके लिए मैंने बोला कि आपको अगर वैक्सीन लगवानी है तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको तो इंतजार था उस बात का, आप तो तैयार हो। आपने तो झट बोल दिया अंडे खाएं। ये बस तैयार तो आप भी थे, मेरे मुंह से सुनना चाहते थे। अच्छा। हाँ, खाना तो आपको भी है। सही है, सही है, है ना। तो फिर ले आए जाके, ले आए और गैस सिलेंडर मुझको बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं बाहर बनाऊंगी, उसको अंदर नहीं बनाऊंगी। चूल्हा है, जो चूल्हा है गैस सिलेंडर, वो आप बाहर ले आए। अच्छा। वहाँ पे मैं बनाकर आपको ऑमलेट खिलाऊंगी, जैसे मैं बनाती थी पहले, 24-25 साल पहले, जब शादी नहीं थी ना हुई तब मैं बनाकर खाती थी। अच्छा। आपसे शादी हुई तब फिर मैंने नहीं खाया, मैंने कहा फिर वही बात हो जाएगी, एक ठगत और एक भगत, फिर मैंने भी छोड़ दिया। अच्छा। हमारा जो माइंड है ना, वो अजल पजल है इधर उधर, कि हम खाएं या ना खाएं, एक मन है खा ले, एक मन है कि ना खाएं, क्या करें आप लोग बताइए हमें। क्या जो समय चल रहा है, तो इसमें सभी बोलते हैं आप फ्रूट खा लो, खाना खा लो, जो मर्जी आपकी मतलब जो वो क्या कहते हैं इम्यूनिटी, वो नहीं आपकी मतलब पूरी हो सकती, तो आपको अंडा तो खाना ही पड़ेगा। अगर मीट नहीं खा सकते तो अंडा जरूरी है, सभी यही बोलते हैं। पता नहीं अंडे में क्या वो खास है जो फ्रूट में नहीं है, सब्जियों में नहीं है, हमको तो पता नहीं। मुझे तो ये खाने का बहाना लगता है, तो संडे हो जाए मंडे रोज खाओ अंडे, मुझे तो यही कुछ लगता है मुझको। बाकी देखते हैं, चलो टेस्ट करके देखते हैं, बनाते हैं कि क्या फील होगा हमको खाकर, क्योंकि इतने सालों बाद हम बनाएंगे आज। ये देखो चौहान साहब के काम देखो, पानी धूप में गर्म करने के रखा है। अरे इतनी कंजूसी, चूल्हे पे गर्म हो जाना था। नहीं नहीं, ये सनलाइट से ना, जो सिलेंडर में मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो सनलाइट में गर्म होता है ना पानी, उसकी बात अलग होती है, ये दवा बन जाता है। पानी हो रहा है ना गर्म, हो तो रहा है ऐसे गर्म। हाँ, आप रखते हैं थोड़ी देर, फिर शुरू किया है धीरे धीरे, कहीं आप चिकन ना शुरू कर दो खाना। नहीं नहीं, चिकन नहीं खाना। उसके बाद ड्रिंक करना ना शुरू कर दो। अरे नहीं नहीं यार, धीरे धीरे बढ़ते ना जाओ आगे आगे। नहीं मैं तो नहीं बढ़ रहा ऐसे ना, ना तुसी इन्ने साल हो गए ने, बनाया नहीं, बना लोगे? कोशिश करके देखते हैं दोस्तों।
अच्छा मैंने काफी सालों बाद बनाना है, अगर गलत हो जाए तो बोलना मत कुछ। अच्छा कोशिश करूंगी बनाने की अगर मुझसे सही से बन गया, क्योंकि अच्छा। मैंने काफी सालों बाद बनाना है ना इसको। अच्छा बनाया नहीं है, वह बनाने के और समय। अंदर से मन खुश भी अभी खाएंगे खुश तो है, टेस्ट का पता नहीं चल रहा कि कैसा होगा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है तो जुहान साहब मुझे पता है आपने कोई ऑमलेट नहीं खाना, कोई अंडा नहीं खाना, आप ऐसे करो बाजार जाओ आलू लेकर आओ, उसको उबालो और रोटी में डालो, वही आप खाओगे, और जाइए आप आलू लेकर आइए जाकर। सही हो गया, सही हो गया। तो हाँ जी दोस्तों, ऑमलेट की जो सलाह थी वो हो चुकी है कैंसल, तो फाइनली बन रहे हैं आलू के परांठे, क्योंकि ये जो आलू के परांठे हैं ये भी अच्छे लगते हैं। तो जो भी इसमें डाला है, लहसुन प्याज हरी मिर्च काली मिर्च लाल मिर्च, मतलब बहुत अच्छा क्रंची परांठा बनता है, स्वादिष्ट लगता है बहुत। तो बाकी रही बात ऑमलेट की, तो हमारा जो मन है ना वो माना ही नहीं हम खाएं उसको, अब नहीं खा सकते हम उसको, क्योंकि इतने साल हो गया हमको छोड़े हुए, सवाल ही नहीं पैदा, क्योंकि मन करता ही नहीं कि हम खाएं उसको। तो बस भाई हमारे लिए तो ये सात्विक भोजन ही बढ़िया है। तो वैसे भी हरियाँ सब्जियाँ फ्रूट जो भी है उसमें भी मतलब भरपूर मात्रा में विटामिन है, तो खानी चाहिए वो भी, और दूध पिए, उनमें भी कैल्शियम और विटामिन होते हैं, तो दूध भी पीना चाहिए। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।